नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड सबमिट किया, 1 मिनट अप्रूव, 1,20,000 की लिमिट, 2 बार डिक्लाइन इसके पहले। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसका क्या सिस्टम है, क्या रोबोटिंग सिस्टम है, इसकी एक अलग ही मनमानी है। मतलब कि अगर कार्ड अप्लाई करो तो किसी किसी का 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में अप्रूव, और किसी का सारा रिकॉर्ड अगर बढ़िया है तो भी ये डिक्लाइन हो जाता है। चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। अब दोस्तों मेरे व्यूअर्स हैं, अब इन्होंने अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, मतलब कि सबमिट किया एप्लीकेशन, थोड़ी देर में रिफ्रेश किया, 1 मिनट 2 मिनट और यह कार्ड अप्रूव हो गया। वहां पे इनको जो है मैसेज आ गया और 1,20,000 की लिमिट व्हाट्सएप पे चेक किया, शो कर गया। कैसे? 2 बार इसके पहले डिक्लाइन हुआ था, इनके पास अदर बैंक भी कार्ड है, उन्होंने कार्ड टू कार्ड अप्लाई नहीं किया। आखिर अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड पहली बार अप्लाई करो, डिक्लाइन, दूसरी बार डिक्लाइन, तीसरी बार डिक्लाइन, 12 बार डिक्लाइन क्यों? और इनका सिस्टम कभी कभी अप्रूव तुरंत कर देता है, क्यों? ऐसा क्या वजह है? तो यहाँ पे बैंकों ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उनका जो रोबोटिंग सिस्टम है ये बहुत स्मार्ट होता है, वो काफी स्मार्ट, इतना स्मार्ट वर्क होता है कि आपके दिमाग, आपके माइंड के हिसाब से वो प्रॉपर काम करता है। मतलब कि एक बार आपने अप्लाई किया, जो आपकी डिटेल्स है वो डिटेल्स वहां पे पहले से अपडेट रहती है। दूसरी बार आपने फिर से अप्लाई किया तो जो डिटेल पहली बार डिटेल्स में अगर कोई कमी रहती है तो सिस्टम दूसरी बार की डिटेल जैसे आप सबमिट करते हैं उसको फास्ट करता है, देखता है कि पहली बार किस वजह से सिस्टम ने हमारे डिक्लाइन किया था और दूसरी बार आया एप्लीकेशन, अब दूसरी बार में क्या सुधार हुआ है। अगर दूसरी बार में पहले वाले सिस्टम से अधिक सुधार हुआ है तो उस एप्लीकेशन को वो अप्रूव करेगा। इसके बाद बैंक जो है आपके जब कार्ड को डिस्पैच करेगा, मैनुअल रिव्यू करेगा और आपके कार्ड को डिस्पैच कर जाए, अगर मान लो दूसरी बार भी गलती थी, डिक्लाइन हुआ था, तो तीसरी बार भी वो सुधार ही खोजेगा, अगर सुधार नजर आ गया तो उस कार्ड को अप्रूव कर देगा। ये सारा काम स्मार्ट वर्क होता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल 100% हो सकता है, बट यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड एक बार अप्लाई किए, एक नंबर से, एक पैन कार्ड आधार कार्ड से डिक्लाइन हो गया, सेम टाइम में कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल कर लिया, दूसरा नंबर जैसे इस्तेमाल किया सिस्टम तुरंत अप्रूवल दे देता है। तो मतलब कि आप एक रोबोट, मतलब कि आप एक मशीन को बेवकूफ बना सकते हो, ये प्रॉपर चीजें एकदम राइट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कभी भी आप जो है ये मत सोचो कि अगर मैं कार्ड अप्लाई करता हूँ तो मेरे सारे कार्ड को मैनुअल रिव्यू ही किया जाएगा, क्योंकि आपके सारे कार्ड को मैनुअल रिव्यू नहीं किया जाता है। रीजन ये है कि इतने सारे एप्लीकेशन सबमिट होते हैं, सारे एप्लीकेशन के हिसाब से बैंक के पास उतने सारे एम्प्लॉय नहीं होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर एक दिन में मान लो अगर 2 लाख अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गए तो क्या 2 लाख एम्प्लॉय बैंक के पास बैठे हैं क्या चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसमें से आपका जो सिस्टम होता है उनका, वो सारे उसको रीड करके सिस्टम खुद ही अप्रूवल देता है। डिस्पैच के टाइमिंग एक बार रिव्यू किया जाता है, उसको देखा जाता है, अगर कोई गलती पाया गया तो उसको डिस्पैच नहीं किया जाएगा। अब मतलब कि मेरे रिश्तेदार थे, उनका मैंने कार्ड अप्लाई कर दिया, कार्ड उनका अप्लाई हो गया, कार्ड अप्लाई हो गया, अप्रूव हो गया, लिमिट आ गया, अब वो खुशी के मारे एकदम दीवाने हो गए, अपने दोस्त के मित्र को मिठाई खिलाना चालू कर दिए, हाँ मिठाई खिला दिए, सेवा कर दिए, खंबा तक भी पिला दिए, सब कुछ कर दिए। इसके बाद जब डिस्पैच का टाइमिंग आया, कार्ड डिक्लाइन हो गया, मुझे कॉल किए कि मेरा कार्ड अभी तक डिस्पैच क्यों नहीं हुआ, मैंने इसी खुशी में 2,000 रुपया बर्बाद कर दिया। मैंने बोला आपने 2,000 बर्बाद कर दिया, कार्ड आपका डिक्लाइन हो गया। बोला क्यों डिक्लाइन हो गया? मैंने बोला कोई गलती होगा, डिक्लाइन हो गया। बैठ के हाथ पे कपार पीटने लगे, भैया मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, पिला खिला दिया, मेरा कार्ड भी नहीं मिला। तो मैंने जब पता किया बैंक को मेल करके, तो बैंक ने बताया कि कुछ इंटरनल पॉलिसी की वजह से इस कार्ड को डिस्पैच नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीजें होती है,
दोस्तों कभी भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना हो सके सिविल पे ध्यान दीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप सिविल पे ध्यान देते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा और आपका कार्ड आसानी से अप्रूवल मिलने का चांस रहेगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान दे के चलना है और लाइफ में कभी आपको बिल्कुल टेंशन 1% नहीं लेना है कि मेरा कार्ड अप्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की कभी किसी का अप्रूव हो भी सकता है, कभी डिक्लाइन भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपने जान लिया, समझ लिया तो ये बहुत हैप्पी है। और इतना फास्ट कार्ड किसका अप्रूव हुआ था अपने कमेंट में जरूर देना। बाकी अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड आपको मिले जरूर लेना, क्योंकि इससे इसके जैसा क्रेडिट कार्ड मुझे अब तक का कोई क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं लगा। मैं इसे नंबर वन बेस्ट कार्ड मानता हूं, क्योंकि इस कार्ड को लेने का मतलब एक ही, लाइफ टाइम फ्री और बेनिफिट तो भर भर के है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, से में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नवसा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।